नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगाया है। आज हम लोग बनाएंगे गजा नींबू, जिसे मराठी में इड़े नींबू भी बोलते हैं। ये इस तरह से रहता है, इसका मोटा छिलका रहता है, इसके हम लोग अचार बनाएंगे। ये नींबू जब पथरी के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसका अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए इसे बनाते हैं। नींबू के अचार बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये एक नींबू है, ये बड़ा नींबू है, बहुत मोटा छिलका वाला है। ये जीरा पाउडर है, हल्का इसको तवा में भून लिए हैं और उसके पाउडर किए हैं। ये है स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून के करीब और चीनी है ये 250 ग्राम के करीब है। इससे पहले हम लोग ये नींबू को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट कर ले, इसे फिर से ये देखिए इस तरह से पीसेस कर ले ये सभी के, और इसके जो बीज है उसे बाजू में रखना है। इसके बीज को हमको रायता में नहीं डालना है, बाजू में रखना है। ये देखिए इस तरह मैंने पूरे बीज निकाल ली हूँ, तो इस तरह आप भी पूरे बीज निकाल ले इसकी और इसको हमको पकाना है। पकाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन रखें, बर्तन में ये जो हमारे कटी हुई नींबू है उसे डाल दें। नींबू को डालने के बाद में थोड़ा सा पका लेंगे हल्का सा, उसके बाद में हम लोग नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और इसे मिक्स करते हुए अच्छे तरह पकाना है। इसे पकाने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। पकाते हुए पानी बिल्कुल ना डालें, इसमें हम लोग जो नमक डालते हैं उसी में वो जो नमक से पानी बहुत छोड़ता है, देखिए कितना पानी छोड़ रहा है, तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। ये इसी के पानी से अच्छी तरह पक जाती है। 4 से 5 मिनट हो गया है, ये देखिए हमारे जो नींबू है वो आधा पक गया है। इसके बाद में हम लोग ये शक्कर डाल रहे हैं, ये 200 ग्राम के करीब शक्कर है, इसे डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इसे इसी तरह मिक्स करके कम से कम 2 से 3 मिनट पका लें। चाशनी के साथ में कितनी अच्छे से पक रहा है। इसमें ही मिर्ची पाउडर डालें, मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब डालें या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। इसी में ये जीरा पाउडर डालें, इसे अच्छी तरह भून लिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इस अचार में, क्योंकि इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह इसे कम से कम 2 से 3 मिनट पकाएं। 3 से 4 मिनट हो गया है, ये देखिए कि कितने अच्छे से पके हैं। ये पूरा पकने तक पकाना है, अभी बहुत गर्म है। इस तरह कम से कम इसे पकाने के लिए 12 से 13 मिनट लगता है। ये पक गए हैं, गैस बंद कर दें और इसे निकालें और एक कांच की बर्नी में इसे पैक करके रखें। ये कम से कम 1 से 2 महीने इसे रखकर खा सकते हैं। देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, इसी तरह पकाए। बस कुछ चीजों का ख्याल रखें इसे पकाते हुए, जैसे कि इसमें शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा होना चाहिए और जब आप इसे पका रहे हैं तो ये अच्छी तरह गलने तक पकाए इसे। ये देखिए इस तरह गलने तक अच्छी तरह पकाए। इस तरह नींबू के अचार बनाएं। ये बनाना बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरह बनाएं, खाएं और मेरे चैनल लक्ष्मी मजगाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब